नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के ज्योतिष कार्यक्रम में। इस वर्ष दीपावली पर्व मनाया जाएगा 13 नवंबर 2020 धन त्रयोदशी, तिथि विक्रम संवत 2077 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि चित्रा नक्षत्र और तुला राशि का चंद्रमा है। 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन धन त्रयोदशी है। दीपावली पर्व में ये प्रथम दिन का महत्व धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन तेरस इस दिन को भी हम कहते हैं। धन त्रयोदशी के दिन समुद्र में से धन्वंतरी भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए हमें इस दिन धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। धन के देवता कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजन करने का महत्व इस दिन बहुत अधिक बताया गया है। व्यापार में उन्नति और प्रगति प्राप्ति के लिए भगवान धन के देव कुबेर का पूजन तथा व्यापार की प्रगति के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन इस दिन किया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन समुद्र में से अमृत कुंभ कलश लेके भगवान धन्वंतरी देव उत्पन्न हुए, तो इसलिए इस दिन चांदी तथा सोने के आभूषण खरीदने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन चांदी के नए नए आभूषण तथा बर्तन इत्यादि खरीदने का महत्व अधिक है। इस दिन का शुभ मुहूर्त है, इसलिए माँ जगदम्बा लक्ष्मी की उपासना की जाती है और हमारे व्यापार में सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसलिए इस दिन श्री यंत्र की उपासना की जाती है। श्री सूक्त का पाठ इस दिन अवश्य करें, जिससे पूरे वर्ष हमारे व्यापार में लक्ष्मी स्थिर रहे। धन त्रयोदशी के दिन कुबेर की पूजा का बहुत महत्व अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन कुबेर भगवान और लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 13 तारीख शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे यम चतुर्दशी नरक चतुर्दशी का भी प्रारंभ है। शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण चतुर्दशी तिथि को हमारा आयुष्य आरोग्य अच्छा रहे, इसलिए भगवान यम को राज को प्रार्थना की जाती है कि हमारा आयुष्य और आरोग्य अच्छा रहे। इसलिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि को हम यम चतुर्दशी तथा नरक चतुर्दशी और काली चौदस यानी कृष्ण चतुर्दशी भी हम इसको कहते हैं। इस दिन हमारा आयुष्य आरोग्य अच्छा रहे, इसलिए हमारे घर के समीप दक्षिण दरवाजे पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे वर्ष पर्यंत हमारा आयुष्य तथा आरोग्य अच्छा रहे। इसलिए कृष्ण चतुर्दशी के दिन तेल का दीपक अवश्य जलाकर दरवाजे के समीप इस दिन रखें। 14 तारीख को दोपहर में 2:17 तक कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। इस दिन दोपहर में 2:17 से अमावस्या का उद्भव हो रहा है। इस दिन दीपावली उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम दीपावली दीपोत्सव के रूप में हम जानते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पूरे वर्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तथा हमारे जीवन में उन्नति और खुशहाली और प्रगति के लिए भगवान गणपति और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है।
इस वर्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हमेशा हमें रहे, इसलिए अमावस्या के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। श्री सूक्त का पाठ पूजन इस समय अवश्य करें। व्यापार में व्यापार वृद्धि यंत्र तथा श्री यंत्र की स्थापना करें। प्राण प्रतिष्ठा करके श्री सूक्त तथा लक्ष्मी सूक्त से अभिषेक कर मां जगदम्बा लक्ष्मी का पूजन करें। पांच कोड़ियां लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में इस दिन स्थापित करें, जिससे हमारे घर में शुभ लक्ष्मी रहे। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके श्री सूक्त का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा कर तथा सिद्ध करके श्री सूक्त से अभिषेक करें और अपने तिजोरी में उसको स्थापित करें और प्रतिदिन अगरबत्ती से तथा धूप उसको दें, जिससे हमारे घर में शुभ लक्ष्मी का वास रहे। 14 नवंबर शनिवार के दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की उपासना अवश्य करें, जिससे हमारे जीवन भर सुख और समृद्धि हमको प्रदान रहे। इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन तथा गणपति का पूजन करके मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें और मां जगदम्बा से श्री सूक्त का पाठ मां समक्ष दीपक करें। घी का दीपक जलाएं, गाय का घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ लाल आसन पर करें। पूर्व दिशा में मुख रखकर श्री सूक्त का पाठ करने से वर्ष पर्यंत हमारे घर में सुख और समृद्धि और लक्ष्मी रहती है। 15 तारीख को रविवार के दिन अन्नकूट तथा गोवर्धन दिन, इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी टचली आंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए इस दिन गोवर्धन भगवान के पूजन भी होता है और अन्नकूट का भी बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन की जाती है। 15 तारीख को नवंबर महीने में रविवार के दिन भगवान कृष्ण का पूजन करें और गोवर्धन भगवान का पूजन करें और भगवान ठाकुर जी को अन्नकूट रखें। अन्नकूट में से भगवान के समक्ष हमारी हर मनोकामनाओं पूरी होती है। 16 तारीख को सोमवार के दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के जीवन में दोनों को परस्पर प्रेम और व्यवहारिक बनाता है। भाई बहन के जीवन में प्रेम तथा उल्लास रहता है। यह दिन एक भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। दीपावली उत्सव में ये 5 दिनों का त्यौहार सुख और शांति और जीवन में हमें खुशहाली प्राप्त कराता है, इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्मी और सुख और समृद्धि प्राप्त रहे। इसलिए श्री यंत्र तथा कुबेर यंत्र और व्यापार सुख समृद्धिदायक यंत्र दीपावली के दिन शनि प्रदोष काल में स्थापित करके मां जगदम्बा लक्ष्मी का आह्वान करके पूजन करें, जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि रहे तथा मां लक्ष्मी को प्रार्थना करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोल के मां जगदम्बा लक्ष्मी का पूजन करें। तो दर्शक मित्रों को दीपावली की शुभकामनाएं और मां जगदम्बा लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बने रहे। श्री प्रार्थना। नमस्कार।